Again, one of the large states in India where several measures have been taken to try and cope with COVID-19. Mr. Khanna, thank you very much for joining us on CNBC-TV18. The Chief Minister has held a meeting yesterday of his cabinet colleagues. What is the decision now? If you can give us more clarity on whether we are likely to see a calibrated opening up of economic activity across the state of UP. Yes. What kind of effects due to this lockdown we have to assess the situation and submit the report to the Chief Minister as earliest possible. Today we did a lot exercise with our colleague ministers, Mr. Satish Mana and Mr. Siddharth Nath Singh, along with the principal secretaries and upper mukhya sachiv finance, Jee. Mr. Sanjeev Mittal, Mr. Navneet Sehgal, principal secretary MSME, principal secretary excise. Right. And number of officers, we hold a meeting right. Just to assess the situation of the right lockdown. So Khanna ji, aapne kaha ki meeting organized hui hai cabinet ki to try and understand how this affects. Magar aapse main sawal puchna chahti hu sir ki agar hum agriculture ki baat kare to UP sarkar aisa mana ja raha hai ki ek aapne decision liya hai ki 15 april se mandis khuli rahengi, aap directly farmers se source karenge, to kya plan hai aur laghu udyog MSMEs ke liye bhi kisi prakar ki ek restart ka plan ban raha hai kya ki thoda bahut economic activity chalu ho jaye? जी हाँ, हमारी कोशिश यह है कि हम फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपनी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज चालू रखें, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। हर हालत में हमको लोगों की जान भी बचानी है, बीमारी का फैलाव भी रोकना है और आर्थिक सिचुएशन पर भी, आर्थिक स्थिति पर भी मेरी नज़र होना चाहिए। आर्थिक स्थिति पर नज़र है कि लोगों को सर, जब आप कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति पर नज़र है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने डेली वेज वर्कर्स के लिए सबसे पहले एक जो था एक फंड की बात की थी, डीबीटी के थ्रू आपने पैसे बांटे थे, तो उसका अब आप क्या सोच रहे हैं कि और आपको देना पड़ेगा? किस प्रकार की अब आप पॉलिसी बना रहे हैं, खास तौर पर जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो मोस्ट वल्नरेबल हैं, जो माइग्रेंट लेबर है, जो अपने काम छोड़कर वापस आ चुके हैं, और इंडस्ट्री को रीस्टार्ट करने के लिए किस प्रकार का प्रावधान किया जा रहा है? देखिए, हमने बड़ा पहले ही अपनी पॉलिसी इस बात के लिए बनाई थी कि लोगों को इसका प्रभाव झेलना न पड़े, और अभी तक मुझे इस बात में कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने 1000 रुपया जो हमारे कंस्ट्रक्शन से में लगे हुए लेबर्स हैं, लगभग 12 लाख, 12.5 लाख उन लोगों को हमने 1000 रुपया उनके अकाउंट में डीबीटी ट्रांसफ़र के माध्यम से 1000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। नगर में जो घुमंतू लेबर थे, दिहाड़ी मजदूर, ऐसे जी लोगों को 1000 रुपया उनके अकाउंट में 43.99 लाख रुपया कल तक उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। और हर हालत में हमारी ये कोशिश यह है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और इस संकट का सामना करने में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी न हो, और इसके लिए हमने खाद्यान्न की व्यवस्था भी की है। जो हमारे एनजीओज हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं,
जो सरकारी लेवल के ऊपर कम्युनिटी किचन्स हैं उसके माध्यम से भी जी हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारी यह कोशिश यह है कि हर हालत में कोरोना के फैलाव को रोका जाए और उसके जो दुष्परिणाम हैं अभी तक के उसका प्रभाव गरीबों पर न पड़े, उसको जितना हम मिनिमाइज कर सकते हैं हम कर रहे हैं। सर अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनको आप अलाउ करेंगे? कल प्रधानमंत्री शायद और क्लैरिटी दें इस बात पर, लेकिन यूपी सरकार का क्या मानना है? कौन सी वो इंडस्ट्रीज है जो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आती है, जो अब आपको लगता है कि उनमें भी थोड़ा बहुत अब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जानी चाहिए? आपने ये लिस्ट बना लिया है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप अलाउ करेंगे उन्हें थोड़ा बहुत प्रोडक्शन शुरू करना? देखिए अभी हम इसके ऊपर मंथन कर रहे हैं। जैसे ईंट भट्टा है, हेलो, हाँ जी सर बोलिए। जैसे ईंट भट्टा है, ईंट भट्टे की इंडस्ट्री जो है वो हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए चला सकते हैं। ऐसी कई इंडस्ट्रीज हैं कि जो हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए चला सकते हैं। तो जिसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए चला सकते हैं उसके बारे में जरूर विचार कर रहे हैं कि उनको चालू किया जाए। जी तो किराने स्टोर्स की बात अगर हम करें, मार्केट्स की बात करें, तो वहां पर भी आप ये कुछ ढील देंगे कि उन्हें भी थोड़ी सहूलियत हो, वो भी अपना कामकाज शुरुआत करें? अगर हम किराने स्टोर्स की बात करें और थोड़े बहुत बाजारों की बात करें। देखिए इसके ऊपर अंतिम फैसला तो कल ही होगा और हम अपना अभी मंथन चल रहा है। एक मीटिंग कल प्रधानमंत्री जी के एड्रेस के बाद फिर से होगी और उसके बाद ही इस बात का अंतिम रूप से फैसला होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा, उसको हम पूरी तरीके से पालन करते हुए और हम जो कुछ मैंने कहा मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूं कि हम चाहते हैं कि कोरोना से पहले जान बचाई जाए और फिर जहान को भी बचाया जाए और उसको फैसिलिटेट भी किया जाए, उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी न हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपना प्लान कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये होगी कि बीमारी के फैलाव को भी रोकें और लोगों को बहुत ज्यादा उसका कष्ट न हो। खास तौर से दिहाड़ी मजदूर हैं, जो लेबर्स हैं उनको भी हो। और 21 दिन का लॉकडाउन चूंकि कल पूरा हो रहा है इसलिए हर पहलू पर विचार करने के बाद ही कल फैसला होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कल मार्गदर्शन करेंगे 10 बजे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से तो हम अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद ही अंतिम कोई फैसला होगा। जी लेकिन सभी अंतिम फैसला प्रधानमंत्री जी के एड्रेस के बाद ही होगा। खन्ना जी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपने बात की वर्कर्स की, अब अगर कल से थोड़ी बहुत ढील दी जाए और नेशन वाइड थोड़ा बहुत उद्योग का जो कारोबार अभी तक बंद था उसे सहूलियत दी जाए खुलने की, तो क्या यूपी सरकार कुछ प्रावधान रखेगी, कुछ अरेंजमेंट्स करेगी कि जो लेबर वापस आ चुकी थी गाँव में उन्हें वापस अपने जगह पहुँचाया जाए? उस पे किसी प्रकार की चर्चा हुई है, किसी प्रकार का प्लान बना है? मैंने कहा ना कि उसके लिए प्लान कर रहे हैं और हर बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छोटे उद्देश्य से समझौता किया जाता है। बड़ा उद्देश्य यह है कि हम बीमारी के फैलाव को रोकें, लोगों की जान बचाएं, जान बचाते हुए फैलाव को रोकते हुए ऐसे बिजनेस, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए अगर हम चालू कर सकते हैं तो उसके ऊपर विचार कर रहे हैं और हम अपनी रिपोर्ट में उसको इंगित भी करेंगे और अंतिम फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ही करेंगे।
खन्ना जी आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. दैट्स द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑल्सो सेइंग दैट अ फाइनल कॉल ऑन द एग्जिट स्ट्रैटेजी विल बी डिजाइंड आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस एंड द चीफ मिनिस्टर्स मीटिंग पोस्ट द प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस. बट द स्टेट ऑफ यूपी ऑल्सो लुकिंग एट अ कैलिब्रेटेड रीस्टार्ट अलाउिंग sectors where job creating sectors to perhaps start with their activity. But of course, a final call will be taken tomorrow. We will take a quick break, but don't go anywhere. We're right back with you in a moment.